मेरे को रोक के पैंट खुलवाया, पैंट खुलवा के देखा ये मुस्लिम है, नाम पूछा, मैं नाम बताया। उसके बाद से मेरे को लगा वो लोग बांस से मारने मार मारने वालों की पूरा लेके के मेरा गर्दन शरीर हार को देने वालों भाई पूरा जान फोरन के ले लेके अपना लेके के बर्बादी कर दे। ये गांव में रिकॉर्ड नहीं किए कोई कोई वाला चोर कोनो थाना में रिकॉर्ड बा बोल रुको रुको तने बोल रे बोल कौन 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 वाला है ए कौन कौन वाला कौन कौन रुको आज तक ले चोरी वोरी कोई कहले बा पैसो छीन ले ले वालो 18000 रुपया छीन ले हुआ था और चोरी के इंजाम भी वो लोग लगा दिया मेरे को झूठ मूठ के 18000 रुपया भी मेरा ले लिया उस पे से 3 लाख रुपया भी मांग रहा है वो लोग बोल रहा है कि तुम लोग मुस्लिम है साला मारेगा तुम लोग को हम लोग बजरंग दल है हम लोग बजरंग दल है तुम लोग को मारेगा खत्म करेगा नहीं तो 3 लाख रुपया मंगाओ आइए इतना बोलो मारा है 2 दिन से लेटरिंग नहीं हो रहा है बैठ भी नहीं पा। तो ये जो आदमी है ये जो बोल रहा है ये इसका क्या नाम है श्याम नाम है यही आदमी नाम धर रहा था उन दोनों को ये नाम धरो अब बताओ ये दोनों को अभी हमारी टीम जामो थाना के भलुई गांव में आई हुई है कल यानी 22 तारीख को कोयरीगावा के रहने वाले श्याम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बढ़रिया थाना और भलुई के रहने वाले अमजद पर चोरी का आरोप लगाया गया था इसके अलावा बढ़रिया थाना पर पैसा मांगने का आरोप लगाया गया था उनका क्या कुछ कहना है क्या कुछ हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबने सुना कई चैनलों पर आपने देखा होगा उसके बाद यानी दूसरा पक्ष यानी जिन पे चोरी का आरोप लगा है जो जामो थाना के भलुई के रहने वाले हैं उनका और उनके माता जी का क्या कहना है सुनिए क्या है मामला पूरी बात बताइए सर हम सत्यनारायण मोड़ पे गए थे खांसी बेचने के लिए सत्यनारायण मोड़ से खांसी बेच के हम आ रहे थे वहाँ से आए मनपुरा जो पुल है मनपुरा पुल के आगे 6 लड़का आया और आके मेरे को बोला बाइक रोको मैं रोक दिया वहाँ पे बाइक रोकने के बाद वो लोग क्या किया कि मेरा कनपट्टी पे पिस्तौल भिरा दिया बोलता है एक बाइक से उतरो ये बाइक पर बैठो वो लोग मेरे को बैठा के वो नवलपुर नहारपुर से ले गया वो सुरैया गांव होते हुए वो छक्का टोला जो चेमनी है वहाँ पर ले जाके वहाँ पर मेरे को रोक के पैंट खुलवाया पैंट खुलवा के देखा ये मुस्लिम है नाम पूछा मैं नाम बताया उसके बाद से मेरे को लगा वो लोग बांस से मारने वहाँ मारा बहुत मारा उसके बाद से मारने के बाद फिर वहाँ से बैठा के फिर उधर लेके गया वो कोरी एक टोला पड़ता है वहाँ पर ले जाके वहाँ पर वो लोग मारा फिर वहाँ से वो जो जमुनागढ़ है वहाँ से एक रास्ता है उधर गया हुआ एक रास्ता उधर अंदर जाता है वहाँ ले जाके चावरा में बीच चावरा में बांध कर वहाँ भी मारने लगा मारते मारते रॉड से एक रॉड से मारा वो लोग मेरे ब्रेन पे मारने के बाद मारा वो लोग उसके बाद से मेरे को वहाँ से होश नहीं आया मैं वहाँ पे पटा गया सीधा वहाँ पे गिर गया उसके बाद से मेरे को होश नहीं आ रहा था मैं वहाँ पे गिर गया ये लोग समझा कि ये मर गया है उसके बाद से ये लोग चला गया छोड़ दिया ठीक है तो ये बात समझ नहीं आया कि आप बकरी का कारोबार करते हैं जी तो वो लोग आपको मैंने ऐसा क्यों किया वो लोग पैसे के लिए वो लोग जाना कि पैसा है ये बकरी का कारोबार है बकरी का कारोबार कर रहा है तो इसके पास पैसा होगा तो इसीलिए वो लोग मेरे को उठा के लेके गया और कोई बात नहीं है और उसके बाद से मेरे अम्मी के पास फ़ोन किया मेरे घर का मोबाइल पर फ़ोन कराया और मेरा अम्मी को बोलता है लोग कि 3 लाख रुपया लेके इस जगह भेजो अपने अगर जान चाहिए तुम्हारा बेटा को तो नहीं तो तुम्हारा बेटा को जान मार दें 3 लाख रुपया लेके भेजो तो हम लोग के पास कहाँ से पैसा है कि 6 लोग में से किसी को पहचानते हैं जानते हम ऐसे किसी को नहीं जानते हैं लेकिन उन लोग को वीडियो देखेंगे तो पहचान जाएंगे सबको लेकिन उसमें एक कहा जा रहा है कि आप लोग 3 लोग थे और आप लोग उन लोगों का बाइक छीने थे दो आपके साथी भाग गए थे और आप उन लोगों के चुंगल में फंस गए थे हम सर ये गलत बात है हम किसी के साथ नहीं थे हम सिर्फ अकेले थे सत्यनारायण मोड़ पे गए थे खांसी बेचने के लिए वहाँ से बेच कर आ रहे थे हम अकेला हम डेली जाते हैं सत्यनारायण मोड़ पर बेचने के लिए खांसी एक आपका एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें आप दो साथी का नाम रख रहे हैं कि दो साथी तक वो भाग गया और वो लोग खुद कह रहे हैं कि ये हम लोगों को चुंगल में फंस गए पैसा छीनने आए थे ये और दूसरी नंबर बात आप ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि चैन छीन रहा था आप वीडियो में कह रहे हैं वीडियो मेरे पास है
लेकिन सर वो लोग कहा रहा है मेरे को मार रहा है, मैं क्या करूं सर, अकेला हूं मेरे को मार रहा है, लेकिन वो दोनों कौन है कहां कहां है मेरे को मालूम भी नहीं है ये बात। लेकिन नाम वो लोग रखवा रहा था कि ये नाम रखो। वो लोग 10 मीटर दूरी पे पिस्तौल भिरा दिया था, मेरे को बोल रहा था कि अगर तुम नहीं नाम रखोगे नहीं बताओगे तो सीधा शूट कर देंगे, इधर कोई चावरा में नहीं है, सीधा मार देंगे तुमको गोली। जिसका नाम रख रहे हैं वो लोग कौन है? वो लोग हम जानते भी नहीं है। वो नाम किसने बताया? वही ये जो आदमी है, ये जो बोल रहा है, ये इसका क्या नाम है, श्याम नाम है, यही आदमी नाम धर रहा था वो दोनों को, ये नाम धरो और बताओ ये दोनों को। और उसके बाद से मेरा घर का नंबर लिया, घर पे फ़ोन किया, बोलता है 3 लाख रुपया लेके आओ, अपना बेटा को लेके जाओ इधर से, नहीं तो जान से मार देंगे इस एरिया में हम लोग रखा है। किससे था? हमारे घर में, हमारे अम्मी से। आपके पास फोन आया था? हाँ, हमारा मोबाइल पर फोन हुए, तो बोला था लो कि तू के बोलता रू, तो हम कहेंगे हम उनका अम्मा बोलता नहीं आ, तो अथी पैसा हम लड़का, हमने हमारे लड़का तो 1 लाखों में एक हूँ, आ कहाँ रह लन हमने कि पहले बाहर रहते लहन, विदेश रहते लहन, मोबाइल बड़न बकरी के कारोबार करते रहन, गोल बड़न खसी बेचे खातिर के, तो कहते रहन का कि चोरी करके आई भाग रहा है, हम लोग बांध लिए हैं, ये हो करें, इतना पैसा लेकर आयो तब छोड़ेंगे ना तो नहीं छोड़ेंगे, हमने हमारा पैसा अगर आप लोग छीन लिए हैं तो देख लिए क्या होगा, हम बोले हैं। आप शिकायत नहीं की था? अब तब तो हम तो लड़के के देख के मजबूर में पड़ल बन, सब दवाई कराओ तन, सब कितना इनका पैसा लगा लाठी से मार मरने वालों की, पूरा लड़के के हमारे गर्दन शरीर हार को देने वालों वही पूरा जान फोरन के ले लेके अपने लड़के के बर्बादी कर दे। गांव में रिकॉर्ड नहीं किए कोई कोई वाला चोर, कोनो थाना में रिकॉर्ड बा? हमारे शुरू से आखिरी लेकर अब बकरी के काम कैले बड़न, जवार के लोग जानता कि बिजनेसिया हलो, आज तक ले चोरी वोरी कोई कैले बा? पैसो छीन ले ले बालो, 18,000 रुपया छीन ले हुआ था, आज चोरी के इंजाम भी वो लोग लगा दिया मेरे को झूठ मुठ के, 18,000 रुपया भी मेरा ले लिया, फिर से 3 लाख रुपया भी मांग रहा है वो लोग। वो लोग बोल रहा है कि तुम लोग मुस्लिम है, साला मारेगा तुम लोग को, हम लोग बजरंग दल है, तुम लोग को मारेगा, खत्म करेगा, नहीं तो 3 लाख रुपया मंगाओ। ये आदमी का नाम धरो, चैन बताओ, मोबाइल बताओ, हम बोले कि चैन मोबाइल जानते नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम नहीं ये नाम धरोगे तो सीधा शूट कर देंगे तुमको, यहाँ कोई नहीं है चावरा में। तो मुझे मजबूरन ये बताना पड़ा कि चैन मोबाइल ये जो ऐसे वो लोग बोल रहा था वैसे करना पड़ रहा था, क्योंकि अकेला में है वहाँ पे, तो क्या करेगा कोई भी आदमी, अकेला आदमी उधर रहेगा तो क्या करेगा, क्या कहिएगा थाना प्रभारी से, सीवान के एसपी महोदय से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे जान बचाने के लिए, पूरा मेरा शरीर से चला नहीं जा रहा है, इतना वो लोग मारा है, 2 दिन से लेटरिंग नहीं हो रहा है, बैठ भी नहीं पा रहे सही से, बोले कि हमको छोड़ दो। वो लोग बोलता है तुम 3 लाख रुपए लेके आओ तब तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो इधर हम मार देंगे। जब वो लोग रॉड चलाया तो मेरे ब्रेन पे चलाया तो इधर मेरा लगा यहाँ पे, ये देखिए वो लोग लाइटर से जरा के मेरे को मार रहा था लाइटर से। वो जो क्या नाम है श्याम लाल, उसके पास पिस्तौल है, पिस्तौल वो भिरा दिया था, बोल रहा था ऐसा ऐसा बात बोलो, और मेरे को मजबूरन ऐसा ऐसा बात बोलना पड़ा। मैं कौन वो लड़का का नाम धर रहा था मेरे को मालूम भी नहीं है, वो जो दो लड़का का नाम धरवा रहा था मेरे से, ये लड़का का नाम धरो मेरे को मालूम भी नहीं है वो कौन लड़का है। सब कुछ हो गया, FIR भी आप लोग कर दिए जी हाँ। तो अब सीमान के SP महोदय से आप क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे न्याय हमको चाहिए, इंसाफ चाहिए कि बिजनेसिया आदमी के कोई घेर के अकेला में 10 आदमी भीर जाओ और कहे कि हई आदमी के नाम बक हई इतना कह के सामान लिए तो डरे जान बचाव के डरे तो आदमी बोलबे पर। गिरफ्तारी चाहिए हम लोगों को, गिरफ्तारी चाहिए जी। तो 6 लोगों में से कितने लोगों को जानते हैं आप? हम वो लोग में से ये जो वीडियो अभी देखा इसको मैं पहचान गई, ये भी था मेन तो यही है, यही जो बांस से मार रहा था सबसे बेसी यही मारा, उस पिस्तौल यही भी रहा था मेरे को मारने के लिए। उसमें से एक संजीव नाम का लड़का है और एक श्याम है, वो मेरे मोबाइल में वो जिसमें उधर हम लोग जाके कल जो FIR किया तो नाम जो सका जिसका मालूम पड़ा तो वो आदमी लोगों का नाम हम लोग डाला FIR में, 6-7 आदमी का जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमजद अली है।
बोल रुक रुक तो नहीं बोल रे बोल कौन 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 वाला है ए कौन कौन वाला कौन कौन रुक 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 मारे कौन कौन वाला मासूम वाला है वो हां वो लिया को तो ठीक बा हम रनिया ठीक बा हां हमनी सामान ले जाए खातिर तो उल ऑयल काटे के रात में रहला कांटा हम ना देख कांटा रोला भाई हम अपने मोटरसाइकिल पे हम देखनी माहौल खराब हुई पहले बात सुनो तो मरिए तब आप हम अपन मोटरसाइकिल के चाबी चालू कोई नहीं है।